बहुत सारी चीज़ें सर ने ऑर्डर करी हैं, देखो कुछ इस तरह की। सर ये क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश से ऊपर जाके मोहन चट्टी करके एक जगह है, वहाँ पे हैं हमारे राइडर आए हैं दिल्ली से। उन्हें कल बहुत सारी जगह घुमाया। कल का ब्लॉग नहीं देखा तो कल का ब्लॉग चेकआउट करो और बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग बनाया। तो देखो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, ये व्यू है यहाँ का। और यहीं पे मैं करीब 6-7 दिन पहले आया था, तो 3 दिन रुक के गया था। वो बर्थडे पार्टी हुई थी ना, तो वो उस वाले रिजॉर्ट में हुई थी वहाँ पे, और वो लोहे वाला पुल है। तो ऐसी कुछ माहौल है, और हमारे स्ट्राइडर का ये है रिजॉर्ट, है ना, मस्त एकदम बढ़िया बना हुआ है, फर्स्ट क्लास। तो इधर ही रुके थे रात को, अब यहाँ से थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। तो यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ब्लॉग लास्ट तक देखना। और गाड़ी मेरी बस वहाँ पर लगी है पार्किंग में। अभी मैं भी जाऊंगा ब्रेकफास्ट करने, सर ने ब्रेकफास्ट कर लिया शायद, और ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलेंगे, है ना। तो ब्लॉग लास्ट तक देखना, कभी मजे आएंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं ऋषिकेश से। गो। तो गाइस, पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो को टूर प्लान हमारे साथ, वन वे राउंड ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में इस नंबर पे। हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिका, इनोवा, वैगनआर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। तो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया है, बस सर बोल रहे थे 10-15 मिनट में आ रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ का मौसम और खतरनाक हो रहा है, देखो। तो गाइस, सर ने होटल से चेकआउट कर दिया रिजॉर्ट से, और अभी आ गए वही नदी वाली जगह पे जहाँ पे मैं पहले आया था ना। देख रहा हूँ कितना खतरनाक व्यू है, मस्त एकदम नेचुरल, शुद्ध साफ पानी एकदम। और इधर फिश भी है, ये देखो यहाँ फिश भी दिखेंगी, छोटी 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 छोटी। ये देखो, ये वो है ना, स्पीड में जा रही है। काफ़ी मस्त माहौल है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शानदार है, लेकिन मौसम एकदम साफ़ हो गया, बारिश भी नहीं है, मौसम भी साफ है। देखो इस समय बादल वादल कुछ नहीं दिख रहे हैं पहाड़ों में, सुपर। इधर ही घूम रहा है, ये लोहे वाला पुल है मस्त, और वहाँ पर रिजॉर्ट था वो सामने। ज़्यादा दूर नहीं है ये, थोड़ी सी दूर आए हैं, तो समथिंग 500 मीटर के डिस्टेंस पर आ गए हैं। सो गाइस, अभी पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश जा रहे हैं रामजुला की तरफ। सर ने कोई रेस्टोरेंट देखा है वहाँ पे, खाना ना खाएंगे ना, 12:30 बज चुके हैं। तो सर वो देखो, वो जा रहे हैं, और मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, इधर गाड़ी लाना अलाउ नहीं है ना, इसलिए चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर ने ऑर्डर करी हैं, देखो कुछ इस तरह की। सर ये क्या है? ओके, ये व्हाइट सॉस पास्ता है। और ये रेड रेड क्या है? ये हिबिस्कस टी है, ये कैमोमाइल टी है। ये मतलब टी यानी चाय है? जी जी, चाय, फ्लेवर की चाय ना। जी जी, तो ऐसे कुछ ऑर्डर किया है, अभी इसे फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है यार, ऐसा कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। सो गाइस, नाश्ता पानी तो हो गया है, और बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास में ही है। ये देखो, ये लक्ष्मण झूला है ना, ये वाला, और ये बन रहा है, देखो काम चल रहा है। ये ग्रीन ग्रीन सरियाँ दिख रही है ना, उस साइड में देखो थोड़ा सा पिलर बनाया है यहाँ पे, ये वाला। ये काफ़ी समय से बंद पड़ा है, देख रहा हूँ कोई आ जा नहीं रहा है, और ये दूसरा बना रहे हैं पुल लक्ष्मण झूला के लिए। वो सामने क्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन बारिश हो रही है ना, इस वजह से काम बंद है फिलहाल। तो अभी देखते हैं इसके बाद कहाँ जाएंगे। अभी नाश्ता पानी जो भी खाना था ना, वो खा लिया यहाँ पर बढ़िया से, और सर अभी घूम रहे हैं, और देखते हैं इसके बाद कहाँ जाएंगे। तो गाइस, खा पी के निकले थे, हर जगह घूम ही रहे हैं, फिर वाटरफॉल पे चले गए थे कल वाले पे, तो आज हर जगह घूम के अब पहुँच गए तपोवन फिर से, क्योंकि 4:30 हो गए हैं और 6 बजे से आरती स्टार्ट हो जाएगी। तो सर जिस होटल में रुके थे ना कल आए थे जब हम तपोवन में, तो उसी होटल में आए, कुछ रह गए थे यहाँ लेने, और गाड़ी में जैसे यहाँ लगा दिए, सर अंदर चले गए हैं। और तपोवन में देखो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही, हल्की हल्की भीड़ ही है, वैसे हमेशा रहता है। जैसे मैंने बताया ना, काफ़ी चीज़ें बंद चल रही इस वजह से। तो अभी सर यहाँ से चाय वाय पियेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे सीधे आरती स्थल पर, वही ऋषिकेश रामजुला के आसपास में। चलो पी लेते हैं चाय, फिर निकलते हैं। There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late. And I don't remember. तो गाइस, टाइम हो गया 6:40, अभी पहुंच गए ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट पे आज की आरती देखेंगे, और यहाँ पे बहुत ही भीड़ हो रही है। देखो सामने त्रिवेणी घाट है, और यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, तो म्यूजिक मैं म्यूट कर दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ना, तो आपको दिखा देता हूँ बढ़िया।
बस अब 4-5 मिनट में ही आरती स्टार्ट होने वाली है और है भी भीड़ है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हाँ बस मंत्र पढ़ रहे हैं, अभी अभी हो जाएगी आरती स्टार्ट। देख रहा हूँ कितना तगड़ा माहौल है, मस्त लग रहा है ना, बारिश का मौसम आने की, बारिश हो रही है और आरती हो रही है भाई। लोग आरती कम देख रहे हैं लेकिन ना सब लोग वीडियो और फोटो वोटो खींचने में मस्त है भाई। आदमी है तो सबका काम है अपने अपने घर वालों को आरती दिखाना वीडियो कॉल के थ्रू, तो वही दिखा रहे हैं। बाकी आरती स्टार्ट हो जाएगी तो आरती ज्वाइन करेंगे, है ना। कृपया मुख्य आरती के समय भी खड़े हो, अपने गले की चेन का, अपने मोबाइल का, अपने पर्स का भी। सो गाइस ऋषिकेश आरती देख के निकल गए हम दिल्ली के लिए और रास्ते में पहुंचे जब हरिद्वार, तो हरिद्वार के बाद में हैवी ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि एक साइड ना पूरे भोले से भरी हुई चल रही है, एक साइड वन वे रोड खोल रखा है, वन वे पूरा जाम है, हल्के हल्के भोले चल रहे हैं। तो हम वन वे रास्ते करते हुए सीधे पहुंच गए रुड़की, रुड़की बाईपास पर पहुंचे 5 किलोमीटर, तो एक जगह ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया और टाइम हो रहा था हमारे व्रत में खाना खाने का, कल मंडे का दिन है तो आज 12 बजे से पहले खाना खाना था। मैंने सर को बताया तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आप रूट चेंज कर लो और पहले रुड़की में चलो, पहले खाना खा लेते। सर ने फटाफट से एक रेस्टोरेंट देखा और हम पहुंच गए रेस्टोरेंट पे 11:10 पे। तो अभी खाना पीना खा लिया, 11:55 हो रहे हैं, मैं खाना खा के आ गया हूँ, सर अभी खाना खा रहे हैं। सर ने बहुत हेल्प किया आज खाने के लिए और मेरे को राइडर बहुत पसंद आया, राइडर के बारे में तो बाद में बताऊँगा, अभी सर आने वाले हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो हम सोच रहे हैं रूट चेंज करने का क्योंकि यहाँ से लेके मेरठ तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, मेरठ के बाद बाईपास आ जाएगा तो थोड़ा ट्रैफिक खुल जाएगा लेकिन मेरठ तक हैवी ट्रैफिक चल रहा है। तो सोच रहे हैं यहाँ से हम जाएँ सीधे सहारनपुर, सहारनपुर से शामली, शामली से फिर बागपत, बागपत से फिर दिल्ली, ये वाला प्लान सोच के चल रहे हैं। देखते हैं रास्ते में अगर चेंज करने का बना तो चेंज कर लेंगे और वरना इसी रास्ते सोचा है, इस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा और वो वाला रोड तो पूरा जाम है और सुबह जल्दी पहुंचना है, सर को ऑफिस जाना है ना इसलिए। तो देखते हैं कैसा क्या प्लान रहेगा, सब कुछ अपडेट करेंगे आपको, कहीं रुकेंगे रास्ते में ना फिर दिल्ली पहुँच के मिलेंगे, सर आ रहे हैं। बाकी सर के बारे में बताऊँगा आपको दिल्ली पहुँच के, आराम से सर को ड्रॉप कर दूँगा ना फिर। तो गाइस टाइम हो गया है 6:10, हम पहुंच गए दिल्ली, दिल्ली पहुंच गए और रात को 8 बजे चले थे वहां से ऋषिकेश से। अब देख रहा अब पहुंचे 6 बजे, अभी छतरपुर में खड़ा हूं, छतरपुर में ही ड्रॉप करा था सर के लिए और अभी हम पता नहीं कहां कहां होते हुए आए हैं। हम करनाल, सोनीपत, पानीपत वाले रास्ते से आए, हर तरफ रास्ते बंद है सावन के चक्कर में ना, तो बहुत परेशानी हो गई आते समय। इधर से गए तो कोई दिक्कत नहीं थी, सुबह सुबह पहुंच गए थे हम, इधर से 12 बजे निकले थे उस दिन। वो वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो देखो जाके, बहुत ही मजेदार बना है। तो अभी सर के साथ हमारा टूर कंप्लीट हो चुका है, सर की आदत एक नंबर थी, बहुत ही मस्त थे सभी राइडर और ऑफिस ग्रुप था तो मजे तो आने ही थे ऑफिस ग्रुप के साथ में, है ना। और जहां भी खाना खाने गए सर ने मेरे को अपने साथ ही खाना खिलाया, हर जगह बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल में, कैफे में खाना खाने गए और मेरे को साथ ही खाना खिलाया। और कल रात को जब हम आ रहे थे, जैसे अब मैंने बताया ना कि सर ने चलते चलते ही होटल देख लिया क्योंकि सर को मैंने बताया ना 12 बजे से पहले ही सर खाना खा लेना कहीं पे क्योंकि सुबह मेरा फास्ट है, मंडे है ना। तो सर ने बोला क्यों टेंशन ले रहे हो, सर ने चलते चलते ही गाड़ी पे ना वो देख लिया, कोई रेस्टोरेंट देख लिया रुड़की के अंदर, बोले चलो रुड़की के अंदर चलते हैं और वहीं से रूट हमने चेंज कर दिया, रुड़की के अंदर जाके खाना खाया साथ ही में सभी लोगों ने और बढ़िया से हो गया टूर। अभी सर को ड्रॉप कर दिया, सर ने बोला कि नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर आएंगे सर के साथ मजे। अभी सर के साथ ज्यादा वीडियो शूट नहीं करा था ना, उसका रीजन ये था ना ऑफिस ग्रुप था तो कई लोग थे उसमें, तो उस वजह से थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं करा, लेकिन सर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर वीडियो शूट करेंगे, फिर बढ़िया से घुमाएंगे। और अब भी मैं जा रहा हूँ सीपी कनॉट प्लेस, वहां से कोई घर की ड्यूटी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो खाली निकल जाएंगे, आज मंडे का दिन है थोड़ी देर वेट करेंगे और आज घर पे करेंगे रेस्ट, है ना। तो अब इस वाले ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फुल नाइट गाड़ी चलाइए, रेस्ट भी करना जरूरी है ना। तो बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यार सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।